ये तमाम जो लोग आए हैं, ये मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, सब पार्टियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं सिख फॉर जस्टिस के जो नुमाइंदे आए हैं हमारे, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, लास्ट ईयर इंडिया ने 2019 5 अगस्त को कश्मीर को चेंज करके अपनी यूनियन टेरिटरी में शामिल किया है, हम उसके लिए ये प्रोग्राम करने आए थे। रात को ही हमें पता चला है कि पाकिस्तान ने भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बाकी जो एरिया है कश्मीर का, उसको अपने मैप में शामिल किया है। हम पाकिस्तान और इंडिया के जो भी ये प्रोपगंडे हैं, हम उनको कंडम करना चाहते हैं। इसी पे मैं इजाजत चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। इंडियन फोर्सेस ऑन कश्मीर। आज 5 अगस्त के हवाले से हम यहाँ आए यूनाइटेड नेशन के सामने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने 370 और 35A रिवोक करके उसका जो जवाब था इंडिया कश्मीर के अंदर, वो ख़त्म हो गया। अब बैन कौमी बराबरी से हम अपील करते हैं यूनाइटेड नेशन के, कि हिंदुस्तान को फौरन वहाँ से मूव किया जाए और कश्मीरी को उनका हक दिया जाए, आज़ादी का हक दिया जाए। और सब बराबरी से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि आप घरों से निकले और कश्मीर की मदद से लिखे। यूनाइटेड नेशन के सामने इकट्ठे हुए हैं कश्मीरियों के, 370 के जो इंडिया ने नफाज किया है कश्मीर में, एक साल से जुल्म सितम हो रहा है। हम यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस पे एक्शन लें और हमें कश्मीरियों को उनके हक खुद अरादियत दिया जाए। कश्मीरियों की आज़ादी तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और इंशाल्लाह पूरी कश्मीरी कौम, हम किसी भी पार्टीशन को कबूल नहीं करते, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उनके साथ जदोजहद तहरीक आज़ादी के लिए हम भरपूर कोशिश करते रहेंगे।